नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की श्रृंखला की कड़ी में अगली कड़ी भगवान कपिल मुनि जी की है। भागवत पुराण के अनुसार श्री हरि के पांचवें अवतार श्री कपिल मुनि जी माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम से सृष्टि की वृद्धि के लिए आदेश दिया। पिता आज्ञा मान महर्षि बिंदुसर के तीर्थ के समीप जाकर कठोर तपस्या में लग गए। उस समय समस्त इच्छाओं की पूर्ति का प्रधान साधन तपस्या ही होती थी। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न भगवान नारायण ने कहा, मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप कन्या है, तुम उससे विवाह स्वीकार करो और कालांतर में मैं स्वयं देवहूति के गर्भ से अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ऋषि कर्दम व देवहूति के विवाह उपरांत ऋषि कर्दम तपस्या में लीन रहे। कालांतर में तपस्या पूरी होने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। तत्पश्चात 10वीं संतान के रूप में महर्षि कपिल का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही उनके पिता पुनः वन जाने लगे तो देवहूति ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब महर्षि कर्दम ने कहा, यह बालक साधारण नहीं अपितु दिव्य पुरुष है, यही तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। बाल्यकाल में कपिल मुनि ने माता को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है, किंतु परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सब ओर से मन को खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाए। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की और माता को सृष्टि व प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान प्रदान किया। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके 5 गुण, 5 कर्मेंद्रियां व इनके साथ 4 सूक्ष्म स्वभाव मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तत्व त्रिगुण सत्व, रज और तम काल के चक्र से बिंधे कर्म चक्र में घूमते हैं। भगवान कपिल ने जो तत्व ज्ञान अपनी माता को सुनाया, वही गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। उन्होंने बताया, भक्ति, योग, यज्ञ, तीर्थ, दान और व्रत आदि को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना चाहिए। जब तक सांसारिक तृष्णा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग की प्राप्ति कठिन है। भक्ति व ज्ञान ईश्वर की कृपा से ही संभव है। कपिल मुनि अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के विचारक व अथाह ज्ञानवान थे। उन्हें ब्रह्मांड के सृष्टि विकास संबंधी सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। वे षष्ठी तंत्र के रचयिता थे। महर्षि कपिल का गंगा के पृथ्वी पर आगमन से भी सीधा संबंध है। राजा सगर ने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि ने ही चुराया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न हो गंगा को वे पृथ्वी पर लाए। इस प्रकार कपिल वस्तु जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल के नाम पर नगर बसा हुआ है,
संभवतः उनका जन्म स्थान है और सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को जहां देखा उनका श्राप पाया, बाद में वही गंगा का सागर के साथ संगम हुआ। यह पवित्र तीर्थ गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है और यही उनका तपस्या क्षेत्र है। आज भी उनके ध्यान स्थल सागर के तट पर कपिल महाराज का मंदिर सुशोभित है और पास ही एक अति सुंदर तीर्थ स्थल है। भारत के कोने कोने से आकर श्रद्धालु कपिल तीर्थ में स्नान करके संसार की प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ विशेष मेले का आयोजन भी होता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी वृक्ष हैं, उनमें सबसे उत्तम वृक्ष पीपल का है और वह मैं हूँ। देवों में नारद मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मैं हूँ, ये मेरे ही अवतार हैं। इस प्रकार यह है भगवान श्री हरि विष्णु के पांचवे अवतार कपिल मुनि। भगवान के अगले अवतार के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।